एवरीवन, वेलकम टू एमसीक्यू बूस्टर। एमसीक्यू बूस्टर में आज हम करेंगे बेस्ट 500 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 10th। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, द फेमस हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्क वॉज फाउंड इन। कनिष्क की प्रसिद्ध सिर रहित प्रतिमा कहाँ से मिली थी? ए मथुरा, बी पेशावर, सी तक्षशिला, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ए मथुरा। तो कनिष्क की फेमस थी मथुरा के एक नियर विलेज में, मठ विलेज मठ से मिली थी, जिसको पंडित राधा कृष्ण ने 1911 में फाउंड किया था। प्लस जो ये था ना, ये यूजुअली ऑर्डिनरी विदाउट मच डिटेल्स, इसने काफ़ी डिटेल्स नहीं थी, ऑर्डिनरी इंडियन आर्किटेक्चर लगा था। प्लस ये नियरली एवरी स्कॉलर इन एंशियंट इंडिया इसको कमेंट करता है इस पीस ऑफ आर्ट पे। अकॉर्डिंग टू रोमिला थापन ने कहा है, द किंग हैज एन इम्प्रेसिव फिगर इन बूट्स एंड कोट। यानी कि किंग एक इम्प्रेसिव फिगर दिख रहा है जिसमें बूट्स और कोट पहना हुआ किंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू त्रिमुराई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ प्रीडोमिनेंटली सेकुलर इन नेचर। सेकेंड, दिस आर कॉम्पेडियम ऑफ सॉन्ग्स और हिम्स इन प्राइज ऑफ विष्णु। ऑप्शन से ए फर्स्ट ओनली, बी सेकेंड ओनली, सी बोथ वन एंड टू, डी नाइदर वन नॉर टू। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नाइदर वन नॉर टू। तो जो त्रिमुराई है ये बेसिकली 12 वॉल्यूम ऑफ कॉम्पेडियन सॉन्ग्स ऑफ हिम्स इन प्राइज ऑफ नॉट विष्णु, ये शिवा को प्राइज करता है इन द तमिल लैंग्वेज फ्रॉम 16th to 11th century। जितने पोएट थे ना 6th century to 11th century जितने ही पोएट थे उन्होंने इसको फॉलो करना शुरू करा था, लिखना शुरू करा था। प्लस ये नॉट सेकुलर है, लाइक संगम लिटरेचर की तरह ये इट इज़ नॉट सेकुलर लाइक संगम लिटरेचर। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज सिंधु घाटी सभ्यता आरवीसी एक थी। आयरन एज सिविलाइजेशन, बी ब्राउन एज सिविलाइजेशन, सी कॉपर एज सिविलाइजेशन, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ब्राउन एज सिविलाइजेशन। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसको और हरप्पन वैली सिविलाइजेशन, उसको हम हरप्पन वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ये ब्राउन एज सिविलाइजेशन 1300 से 1300 से लेके 1300 BCE मध्य, और जो मैच्योर पीरियड था इसका 2600 से लेके 1900 BCE। मेनली इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन कवर करती थी साउथ एशियन कंट्रीज़ का, फ्रॉम व्हाट टुडे इज नॉर्थ ईस्ट, अफगानिस्तान टू पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट इंडिया अलॉन्ग विथ एंशियंट इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। तो इजिप्ट और मेसोपोटामिया जो तीन, वन ऑफ द तीन अर्ली क्रेडल्स इजिप्ट, मेसोपोटामिया और हरप्पन हुआ करती थी, जिसमें मोस्ट वाइड स्प्रेड मतलब इन तीनों में सबसे बड़ी हरप्पन सिविलाइजेशन थी। श्रमण मूवमेंट इज मेनली एसोसिएटेड विद। श्रमण आंदोलन मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है जैन, बी बुद्धिज्म, सी एजीविकास, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। जो श्रमण मूवमेंट है वो ऑलमोस्ट सेवरल इंडियन रिलीजन मूवमेंट पैरेलल टू बट सेपरेट फ्रॉम द हिस्टोरिकल वैदिक लिटरेचर। प्लस शर्मन ट्रेडिशन इंक्लूड जैनिज, बुद्ध, अदर सच एज आजीविका, अदर रिलीजन भी इसको फॉलो करते हैं। प्लस इसका मेन जो होता है योगिक प्रैक्टिस को फॉलो करना, प्लस पॉपुलर कंसेप्ट, इसका एक मेन पॉपुलर कंसेप्ट जो हर इंडियन रिलीजन में दिखता है उसका नाम है द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, प्लस समसारा, प्लस मोक्षा, लिबरेशन फ्रॉम दैट साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली एन इंडियन स्टेट टू हैव ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नागरिक संहिता वाला एकमात्र भारतीय राज्य है? ऑप्शन से ए जम्मू एंड कश्मीर, बी केरला, सी गोवा, डी वेस्ट बंगाल। तो एकमात्र ऐसी स्टेट है इंडियन स्टेट जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है वो है सी गोवा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है गोवा। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक टाइप का लॉ है जिसमें सिविल लॉ है वो सब एक ही इसमें क्लब हो जाते हैं, यानी ऑल रिलीजन की जो लॉज है वो एक ही उसमें क्लब हो जाते हैं और वो सब एक ही लॉ फॉलो करते हैं। जैसे अभी जो लॉ है ना सबके सेपरेट है। इंडियन अगर हम हिंदू की बात करें तो हिंदू लॉ अलग है, हिंदू का मैरिज लॉ अलग है, हिंदू की रिलीजन के बेसिस पर अपना लॉ है, इस्लाम का अपना लॉ है। तो अगर हमें क्लब करना और एक ही लॉ बनाना तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड यूज़ करते हैं। What do you understand by the term classified service voter? A. Service voter who opts not to vote is called classified service voter. B. A service voter who opts for a voting through a postal ballot is called classified service voter.
सी अ सर्विस वोटर हु ऑप्ट फॉर वोटिंग थ्रू अ प्रॉक्सी इज कॉल्ड क्लासिफाइड सर्विस वोटर, डी अ सर्विस वोटर हु वोट्स ऑन द डे ऑफ काउंटिंग इलेक्ट्रॉन वोट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अ सर्विस वोटर जो ऑप्ट करता है प्रॉक्सी वोटिंग के लिए उसको क्लासिफाइड सर्विस वोटर कहा जाता है। बेसिकली ये इंडियन आर्म फोर्स एक्ट में है, प्रोविजन ऑफ इंडियन आर्म फोर्स 1950 एक्ट में, जिसमें अप्लीकेबल किया गया है कि जो भी हैज ऑप्शन ऑफ आइदर, उनके पास ऑप्शन या तो पोस्टल बैलेट से वोट दे दे या तो थ्रू अ प्रॉक्सी वोट ड्यूली अपॉइंटेड बाय हिम, यानी कोई भी एक कोई भी पर्सन जो इनके थ्रू अपॉइंटेड होगा इनके बदले वोट डालने के लिए, वोटिंग थ्रू अ प्रॉक्सी कॉल्ड क्लासिफाइड वोटर। पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी रिसेंटली सीन इन न्यूज इस रिलेटेड टू, पॉलीक्रैक तकनीकी हाल में समाचारों में देखी गई है वो किससे रिलेटेड है, ए बी कीपिंग इन कंट्रोल इन्वायरमेंट, बी बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, सी डिटेक्टिंग फेक पासपोर्ट एंड करेंसी नोट्स, डी कन्वर्टिंग फीड स्टॉक इंटू हाइड्रोकार्बन लिक्विड फ्यूल्स। नियंत्रित वातावरण में मधुमक्खी पालन या भूकंप प्रतिरोधी संरचना का निर्माण, नकली पासपोर्ट और मुद्रा नोटों को पता लगाना, या हाइड्रोकार्बन तरल ईंधन में फीड स्टॉक परिवर्तित करना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कन्वर्टिंग फीड स्टॉक इंटू अ हाइड्रोकार्बन लिक्विड। ऑप्शन घ, जो पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी ये कन्वर्ट्स करती है मल्टीपल फीड स्टॉक को इंटू हाइड्रोकार्बन लिक्विड फ्यूल गैस कार्बन एंड वाटर, ये अपनी वर्ल्ड की फर्स्ट पेटेंट इंटर हाइड्रोजीनियस कैटलिक प्रोसेस है विच कन्वर्ट मल्टीपल फीड स्टॉक इंटू हाइड्रोकार्बन फ्यूल गैस एक्सट्रैक्शन। प्लस जो इंडियन रेलवे ने इसको यूज़ करा है, फोर्थ बनी है कंट्री में इंडियन रेलवे इसको यूज़ करना स्टार्ट करा है। ठीक है, द कंट्रीज बॉर्डरिंग सीरिया आर, ऑप्शन ए सऊदी अरेबिया, इराक, थर्ड जॉर्डन, फिफ्थ टर्की। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इन कोड, ए 1 2 3 4, बी 1 3 4 5, सेकेंड सी 2 3 4 5, डी 1 2 3 4 5। तो इसका करेक्ट आंसर है, ये तो बेसिकली समझ में भी आ रहा है क्योंकि सऊदी अरेबिया उसको टच नहीं करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ सी 2 3 4, इराक, जॉर्डन, टर्की, लेबनान। ये मैप में है, ये मैप में यहाँ पे है सीरिया, ये सीरिया को बॉर्डर टच करती है, इराक करती है, जॉर्डन करता है, ठीक है, सऊदी अरेबिया नहीं करता है। ये देखिए सऊदी अरेबिया की बॉर्डर जो होती है वो जॉर्डन से शेयर होती है, यहाँ पे इसराइल है, ये जेरूसलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड समटाइम्स सीन इन न्यूज़ रिलेटेड टू, ये अंडर किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, DGFT। ठीक है, तो ऑप्शन से ए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो DGFTA ऑर्गेनाइजेशन है, इज एन अटैच ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इज हेडेड बाय DGFT। DGFT इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग फॉरन ट्रेड पॉलिसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेन ऑब्जेक्टिव इसका रहता है प्रोमोटिंग इंडियंस एक्सपोर्ट को, जितना भी प्रमोट करना है प्रमोट करता है। ग्लाइफोसेट, एट्राजाइन, ब्रूटाक्लोर रिसेंटली सीन इन न्यूज रिलेटेड टू, तो ये क्या है, हाल ही में खबरों में देखा गया ग्लाइफोसेट, एट्राजाइन एंड ब्रूटाक्लोर, ये हाल ही में न्यूज़ में देखा, ये क्या है, ए एंटी मलेरिया ड्रग, बी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, सी वीडिसाइड, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है सी वीडिसाइड। जो वीड्स है ना, जो अनवांटेड वीड्स होती है ग्रोइंग, यानी जंगली घास हिंदी में हम अगर उसको बोले तो, जंगली घास जो भी होती है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए वीडिसाइड्स का यूज होता है, जिसको 2,4,4-D एसिटिक एसिड में जिसमें केमिकल इंक्लूड होता है, ये जनरली नेगेटिव इम्पैक्ट करता है बर्ड पॉपुलेशन को, ऑल्थो द इम्पैक्ट्स आर हाईली वेरिएबल। इसका यूज़ अभी काफ़ी होने लग गया है इंडियन में, इसका जो मेन स्पेशली भी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं दोस्तों, बिकॉज ऑफ ये जो होता है ना वीडिसाइड, ये पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है नेगेटिवली, प्लस इसमें लॉन्ग टर्म में क्या होता है वेरियस टाइप ऑफ कैंसर रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब लोगों को कैंसर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं अगर हम इस केमिकल का यूज़ करते हैं तो। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन, थैंक यू।